नमस्कार किसान भाइयों, किन्नू की खेती चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा सेकंड वीडियो है फ्लावर इंडक्शन को लेकर। फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो फ्लावर इंडक्शन में अधिक प्रभाव डालते हैं, जैसे कि वाटर स्ट्रेस, टेम्परेचर स्ट्रेस, अडैफिक फैक्टर और हारमोन्स। इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि ये चार जो फैक्टर्स हैं वे एक्चुअल में प्लांट में कितने प्रभावशाली और क्या क्या प्लांट में जो चेंजेस लाते हैं जिसके कारण फ्लावर की जो है इंडक्शन या फ्लावर आने की अवधि जो है स्टार्ट हो जाती है। मैंने जितने भी डाटा और ये आपके सामने जो मैं स्लाइड्स दिखा रहा हूँ, ये हर एक स्लाइड मैंने रिसर्च पेपर से ली है। रिसर्च पेपर का मतलब है खोज पत्र। बहुत से साइंटिस्ट जो हैं लैब में या फील्ड में एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो कंक्लूज़न निकालते हैं, उस कंक्लूज़न को एक लेमैन की लैंग्वेज में, मतलब आसान तरीके की लैंग्वेज में लेकर मैंने आपके सामने पेश किया है। तो चलिए जानते हैं वाटर स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे हो सकता है। देखिए, जैसे अगर देखिए किसान भाइयों, जब प्लांट डोरमेंट सीजन में रहता है, जैसे विंटर के सीजन में, तो जिब्रेलिक नाम का हार्मोन जो ग्रोथ प्रमोटर है, हमने फर्स्ट पार्ट में बताया होगा आपको, वो अपने रूट्स के अंदर उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और उसकी मूवमेंट रूट्स टू शूट्स की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ऐसा देखा गया है। कई जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ के डॉक्टर हैं वो बताते हैं कि भी दिसंबर के बाद कम से कम 50 से 60 दिन का जो है पीरियड आना चाहिए फ्लड इरिगेशन का। जैसे कि मान लीजिए आपने 10 दिसंबर को पानी लगाया है, फ्लावर की इंटेंसिटी ज़्यादा लेने के लिए अगर आप फर्टिलाइजर शेड्यूल के बाद 50 दिन के आसपास सेकंड पानी जो लगाते हैं, तो उसके चांसेस फ्लावर के इंटेंस आने के ज़्यादा हैं, मतलब फ्लावर इंडक्शन होने के चांसेस उस स्टेज में ज़्यादा हैं। वनस्पति शाखाएं वेजिटेटिव शूट की तुलना में जो फ्लावरिंग के शूट है, अगर वाटर स्ट्रेस रहेगा तो वो ज़्यादा दिखेगी। अब शूट्स क्या है, दो तरीके की है, एक तो वेजिटेटिव और एक फ्लावरिंग शूट। वेजिटेटिव शूट्स का मतलब है कि नाइट्रोजन या फर्टिलाइजर हमने कंप्लीट करने के बाद जो वनस्पति वृद्धि तो हुई है हमारे प्लांट के अंदर, लेकिन उसके अंदर फ्लावरिंग नहीं आई। जिस शूट पे ऐसा देखा जाता है उसे वेजिटेटिव शूट बोलते हैं और जिस पे फ्लावर्स आते हैं उसे फ्लावरिंग शूट बोलते हैं। अगर वाटर का स्ट्रेस रहेगा तो वेजिटेटिव शूट जो है वो फ्लावरिंग शूट्स में कन्वर्ट हो सकती है। टेम्परेचर स्ट्रेस मैनेजमेंट, देखिए टेम्परेचर का स्ट्रेस कोई मैनेज नहीं कर सकता क्योंकि ये तो प्राकृतिक है। अगर विंटर्स हैं तो ठीक है, नहीं है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक वाटर स्ट्रेस का मैनेजमेंट ही रहता है अपने फ्लावर की इंडक्शन करने के लिए। अगर टेम्परेचर स्ट्रेस है तो क्या होता है प्लांट के अंदर, जिब्रेलिन एसिड हार्मोन्स की प्रोडक्शन मैंने बताया कि ज़्यादा होती है। अब जिब्रेलिक हार्मोन के प्रोडक्शन के बाद जो प्रोटीन्स और अमीनो एसिड प्रोड्यूस होते हैं वो है प्रोलिन और पोलीमाइन। ये प्लांट में ज़्यादा पाए जाते हैं बड डोरमेंसी से पहले। अब अगर मान लीजिए अब सर्दियों के अंदर अचानक टेम्परेचर इनक्रीज हो जाता है, जैसे कि जनवरी के महीने में अगर टेम्परेचर 8-9 के आसपास है और अचानक किसी कारणवश टेम्परेचर 15-20 हो जाता है, या फरवरी के महीने में 20-25 हो जाता है, 28 तक पहुंच जाता है, तो उसमें क्या होगा कि जो फूल जो आने हैं वो तेज़ी से आएंगे, लंबी अवधि तक आएंगे और पार्थिनोकार्पिक स्टेज पे पहुंच जाएगा प्लांट। पार्थिनोकार्पी का मतलब है, ह्यूमन बींग से अगर मैं आपको पार्थिनोकार्पी के बारे में समझाऊँ, तो मेल फीमेल का जब रिप्रोडक्टिव स्टेज कंप्लीट होने के बाद जो लड़का या लड़की पैदा होना होता है वो किसी कारणवश मिसकैरेज हो जाता है, वो पैदा नहीं होता। प्लांट की उसी स्टेज को पार्थिनोकार्पी में आप बोल सकते हैं कि मेल और फीमेल जो एंथर है, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया भी, एंथर जो है स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, स्टिग्मा पे वो अटैच होगा फीमेल पार्ट पे, और तभी जो है ओवरी के अंदर जाकर वो फ्रूट सेट में कन्वर्ट होगा। तो किसी रीज़न से ये पार्थिनोकार्पी हो जाते हैं, मतलब वो फ्लावर तो बनता है लेकिन वो फ्रूट सेट में तब्दील नहीं होता। सामान्य तौर पर सर्दियों में कम तापमान से अधिक प्रजनन वाले अंकुर निकलते हैं और उच्च तापमान से अधिक वनस्पति अंकुर निकलते हैं।
अगर टेम्परेचर जो है वो सर्दियों में हमारा कम रहेगा तो वेजिटेटिव शूट जो है वो कम होंगी और रिप्रोडक्टिव शूट्स जो है या फ्लावरिंग शूट्स जो है वो ज़्यादा होगी। कली की सुपुष्टि या बड डोरमेंसी और फ्लावर इंडक्शन को दोनों के दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। अगर टेम्परेचर कम होगा तो बड डोरमेंसी से ट्रांजिशन जो स्टेज है फ्लावर की वो अच्छे से हो पाएगी। अब ये मिट्टी है, मिट्टी को तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन पीएच वैल्यू को अपने ऑर्गेनिक कार्बन या अपने गोबर की खाद या अपने माइकोराइजा वगैरह से हम उसको एक भुरभुरी बना सकते हैं जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा हो। आमतौर पर जो अपनी मिट्टी जिसमें क्ले की मात्रा मतलब चिकनी मिट्टी जिसमें ज़्यादा है तो उसमें जैसे ये वाला 42 to 79% ये वाला जो डाटा है ये अगर ज़्यादा है तो उसमें फ्लावर की आने की जो इंटेंसिटी है वो कम होगी। जो ये वाला है जिसके अंदर रेतली मिट्टी के साथ साथ क्ले भी है चिकनी मिट्टी भी है लेकिन रेतली मिट्टी चिकनी मिट्टी के या तो 50% अनुपात पे या फिर रेतली ज़्यादा और चिकनी मिट्टी कम तो उसमें फ्लावर के आने की इंटेंसिटी आमतौर पे अधिक देखी गई है। अब जैसे फर्स्ट वीडियो में हमने बात की भी कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन का जो रेशो है वो अगर मेंटेन करें तो हम जो है फ्लावरिंग अधिक ले सकते हैं या इंटेंस ले सकते हैं। क्या है किसान भाइयों, 80% कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन जो है वो हमारे भंडारण ऑलरेडी जो हमारी पुरानी लीव्स हैं उनकी स्टोरेज से ही फ्लावर इंडक्शन पॉसिबल हो सकता है। जैसे कि अब हमने फरवरी के महीने में अपना फर्टिलाइजर नाइट्रोजन दे दिया फॉस्फोरस दे दिया और हमारा मानना लगभग ये होता है कि भाई खाद पूरी हो गई तो फ्लावर इंटेंस आने चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत सारे रिसर्च पेपर में ये लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन और कार्बोहाइड्रेट का सही रेशो ही फ्लावर इंडक्शन के लिए प्रेरित करता है और वो नाइट्रोजन और कार्बोहाइड्रेट जो ऑलरेडी प्लांट ने अपने पुरानी लीव्स में स्टोर करके रखी है वो उन्हीं से लेगा। जैसे पिछली स्लाइड में हमने बात करी पॉलीअमाइन्स और अमोनिया में वृद्धि होती है और उसके बाद क्या है कि सेल डिवीज़न जैसे कोशिका विभाजन कह सकते हैं हिंदी में उसमें होगी और कोशिका विभाजन जो है वो फ्लावरिंग शूट्स में कन्वर्ट होके अपने फ्लावर की इंटेंसिटी को और फ्लावर इंडक्शन को बढ़ाएगा। इस फोटो में मैंने आपको ये जो ऊपर वाली पार्थिनोकार्पी और वो सब समझाने की कोशिश की है। जैसे ये हमारा जो प्लांट है वो डोरमेंट सीजन में है और ये अब फर्टिलाइज़र का शेड्यूल पूरा होने के बाद इरिगेशन के बाद अब सही टेम्परेचर पे हमारा बड डोरमेंसी है। अब जो हार्मोनल एक्टिविटीज़ और जो हमारे अदर फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करेंगे जैसे कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन का जो रेशो है वो डिसाइड करेगा ये जो बड है वो वेजिटेटिव शूट में जाएगी या ये वाली बड जो है वो फ्लावरिंग शूट्स में कन्वर्ट होगी। ये जो ए है ये है बड जो हमारी डोरमेंसी टूटने के बाद जो है ये अब ये जो बी है ये वेजिटेटिव में कन्वर्ट हो रही है और ये सारी वेजिटेटिव है। अगर ये हमारा कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन का जो अनुपात ठीक रहा और बाकी फैक्टर्स ठीक रहते हैं हार्मोन का जो इम्बेलेंसेस है वो नहीं होता तो ये हमारा जो वेजिटेटिव है ये कम रहेगा और ये फ्लावरिंग स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पार्थिनोकार्पी को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ये फर्स्ट नंबर पे है अब एक लीफ के साथ ये जो एक फ्लावर की जो बड है वो है लेकिन वो अटैच नहीं है। सेकंड के अंदर एक फ्लावर है नंबर ऑफ मल्टीपल लीव्स हैं। थर्ड में मल्टीपल फ्लावर्स हैं नो लीफ है और फोर्थ में नंबर ऑफ फ्लावर्स भी ठीक ठाक हैं और लीफ भी है। इन चारों में ये वाला फर्स्ट वाला सेकंड वाला और थर्ड वाला में इन तीनों के मुकाबले जो ये फोर्थ वाला जो ये देख रहे हैं इमेज इसके अंदर ज़्यादा चांसेस हैं कि ये हमारा जो फ्लावर है वो फ्रूट सेट में कन्वर्ट हो जाए। जितनी मैंने आपको स्लाइड्स अभी बताई और जितना भी मैंने बताया आपको वो एक सिंपल से डायग्राम में मैं समझाने की आपको कोशिश करूँगा। जैसे ये अब हमारा प्लांट जो है वो बड ये जो प्लांट है हमारा अब डोरमेंट सीजन में है। इसमें क्या है जिब्रेलिन एसिड की प्रोडक्शन होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि वाटर स्ट्रेस है। हमने विंटर का टाइम जो इसमें चूज़ किया है 50-60 दिन तक जो है हमने पानी नहीं लगाया इसमें और टेम्परेचर का स्ट्रेस है और उसके उसके कारण जिब्रेलिन जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस होगा। वो प्रोड्यूस करेगा पॉलीअमाइन और प्रोलिन और अदर प्रोटीन्स।
फिजियोलॉजिकल फैक्टर है, एडाफिक फैक्टर मतलब मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है वो इन सारों को मिलाकर जो है अमोनिया और अमोनियम आयन पत्तियों में ज़्यादा इंक्रीज होगा, वो होगा तो वो बड डोरमेंसी को ब्रेक करेगा और बड जो है फ्लावरिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। वैसे ही जो वाटर स्ट्रेस है, जैसे हमने बात करी भी पानी हमें सही टाइम पे लगाना चाहिए, तो उसमें क्या है उस दौरान जो प्लांट डोरमेंट सीजन में है वो अबसेसिक एसिड की प्रोडक्शन करेगा, ये भी एक तरीके से हार्मोन है और वो इम्पैक्ट डालेगा फ्लावरिंग स्टार्ट पे, फ्लावर स्टार्टिंग हो जाएगी। इसका कंक्लूजन ये है कि फलों के बाहर का फलों को प्रेरित करने के लिए वनस्पति और फूलों की टहनियों पर एक मजबूत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हम अपने फल की तोड़ाई अगर लेट करते हैं और इधर से हमारी बड डोरमेंसी टूटने के बाद फ्लावर इंडक्शन स्टार्ट हो जाती है तो वो फ्रूट सेट में कम कन्वर्ट होगी। आखिरी सिंचाई जो आपने करनी है वो 50-60 दिन के बाद, लास्ट इरिगेशन के बाद ही करें, करने का प्रयास करेंगे तो हम फ्लावर का जो है नंबर है बढ़ा सकते हैं। बाहरी तौर पर मैं किसान भाइयों फिर से आपको एक बार दोबारा कहना चाहूँगा, जितने भी ये ग्रोथ प्रमोटर या न्यूट्रिएंट हमें मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे जिब्रेलिक एसिड है या कुछ और है, नाम लेना ठीक नहीं होगा, तो ये हार्मोन आप कम से कम इस्तेमाल करें तो बेहतर है, क्योंकि ये हार्मोन एक बार तो आपकी कुछ परसेंटेज में 0.1%, 0.2% तो फ्लावरिंग इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन इसका जो दुष्प्रभाव है वो लंबे समय तक आपके प्लांट में रहेगा। हार्मोन का जो इनबैलेंसेस है वो देखने को मिलेगा आपको। मिट्टी की जो एनालिसिस के बाद ही जो है आप सही मात्रा में अपना फर्टिलाइजर का चुनाव करें। मेरा अगर आपको फर्टिलाइजर का चुनाव करने में थोड़ी परेशानी है तो मेरा फर्स्ट वीडियो किन्नू का फर्टिलाइजर शेड्यूल आप देखिए, उसमें मैंने ठीक ठाक तरीके से पूरा का पूरा बता अल्कलाइन ज़मीन के हिसाब से उर्वरक के बारे में मैंने डिटेल में आप वहाँ बताया है, वो आप ज़रूर देखिए। उसमें छटाई के बाद, कटिंग और प्रूनिंग के बाद कॉपर की जो स्प्रे है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है जैसे सिट्रस के अंदर अब सिट्रस कैब है, सिट्रस एंथ्राकोनोज है, ये बीमारियां जो है शुरू में ना आए फ्लावर इंडक्शन के टाइम, तो उस टाइम आप कटिंग के बाद कॉपर की स्प्रे जैसे ब्लाइटोक्स है या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड है, उसकी स्प्रे ज़रूर करवाइए। और एक स्प्रे आपकी क्विनाल्फास जनवरी में होनी चाहिए ताकि जो सिट्रस सेला ऑलरेडी मौजूद है वो सिट्रस सेला हमारे बड डोरमेंसी के बाद फ्लावर इनिशिएशन पे इम्पैक्ट मत डाले। उसके लिए आप क्विनाल्फास या एक्टारा या डायमोथ्रेट कोई भी आप स्प्रे करवा सकते हैं और 15 दिन के बाद आपको फिर से एक बार स्प्रे ये बदल के करवानी है। कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन का जो रेशियो है वो आप अपना बना के रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा माइकोराइजा, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद जैसे जो जैविक पदार्थ हैं उनका आप उपयोग करिए। आशा है आपको इस पार्ट 1 और पार्ट 2 देखकर लगभग सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि अभी भी कोई आपके मन में क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।